अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम हो गया शाइना व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, यहाँ हम सब भी ठीक हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ा। शादी क्या पैदा हुई जब से आज तक मैंने कभी खिचड़ा ही नहीं बना। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप। आज तक मैंने कभी खिचड़ा ही नहीं बनाई ना अपने घर में, ना ससुराल में, ना अब ये घर में। तो मैं कभी खिचड़ा नहीं बनाया। मेरी शादी को हो गया 12 साल, तो आज तक मैंने कभी खिचड़ा नहीं बनाया है। तो मुझे बहुत पसंद, जब तक अम्मा थे तो वो बनाते थे तो बुलाते थे खाने के लिए। अब भाभी जब भी बनाते हैं तो भाभी बुलाते हैं और देते भी हैं खाने के लिए, और कहीं ना कहीं से मिल जाता है। ससुराल जाती हूँ, वहाँ पे गाँव जाती हूँ तो आपा खिला देती है। मुझे खिचड़ा बहुत पसंद है, तो आज मैं पहली बार खिचड़ा बनाने जा रही हूँ। और बहुत लोग से पूछी, आपा से पूछी, सास से पूछी, उस दिन देवरानी ने भी मुझे बताया ये डालना भाभी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ा, तो आप लोग को बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनता है नहीं बनता है, अंदाज भी मुझे पता नहीं है। तो क्या क्या डालना चाहिए, क्या क्या नहीं डालना चाहिए, तो अभी दाल का वो सब कर रही हूँ, तो वो सब आपको दिखाती हूँ क्या क्या दाल मैंने मंगाया है और क्या क्या डालने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बज चुके हैं 4:00 और हस्बैंड भी अभी आ जाएंगे, तो उनको पसंद नहीं है वैसे भी खिचड़ा, तो वो बोले तुझे बनाना है तू खा ले, मेरे लिए कुछ भी बना देना। तो अभी वही बना रही हूँ। चावल बन चुका है मेरा, रोटी बन चुकी है। खिचड़ा बनाने के बाद जो गोश्त बनाया जाता है उसमें से हस्बैंड को कुछ ना कुछ बना दूंगी, और मैं बना रही हूँ खिचड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनता है खिचड़ा। सो गाइस, मैं बता रही थी आप लोगों को क्या क्या दाल लगती है। तो ये देखिए, ये है उड़दी की दाल, नहीं सॉरी गाइस, ये मूंग है, ये उड़दी है, ये चावल है, और ये चना, और ये जवा। ये जवा मेरी आपा ने मुझे गाँव से भेजी है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है। मेरी सास ने बोले सारी चीज़ों को मिक्स कर देना, खाली जवा को अलग से गलाना, और चावल भी बोल रहे हैं अलग से गलाने के लिए, तो नहीं तो वो चिपकने लगता है नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम तो बना रही हूँ, कैसे बनता है पता नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी मसाला रेडी नहीं करूँ, पहले दाल गला लेती हूँ, फिर मसाले की तैयारी करती हूँ। सो गाइस, यहाँ चढ़ चुकी है दाल सारी मिक्स करके, और इसमें चढ़ चुका है जवा। तो अब ये सीटी आ जाए तो फिर मैं मसाला निकालती हूँ, जब तक मसाला रेडी कर लेती हूँ। सो गाइस, देखिए ये पूरा गल चुका है, और ये ऐसा लग रहा है अब गलने के बाद। अभी गुरी बाकी है गलने में, इसमें थोड़ी सी हल्दी कम हो गई है, तो हम लोग मसाले में हल्दी डाल देंगे। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं मसाला बनाना। सो गाइस, मैंने इसमें डाल दिया है तेल, इसमें जो दाल लपट गई थी हल्की सी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़पत्ता। और तेज़पत्ता डालने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें कांदा।
इसमें डाल दिया अपने कांदा। सो गाइस यहाँ देखिए कांदा लाल हो रहा है। और कांदा लाल करने की ट्रिक क्या है, इसको गोल्डन ब्राउन करने का, कि कांदा जब डालो तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो वो जल्दी से ब्राउन होने लगता है। तो मैंने अभी डाला है और फिर इसके बाद मैं गोश्त डालूंगी और मसाला डालूंगी, सारी चीज़ रेडी कर लूँगी, फिर रेडी करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस यहाँ मैंने डाल दिया है गोश्त और गोश्त को अच्छे से भूनना है और फिर इसमें भूनने के बाद सारा मसाला डालना है। तो अभी इसमें मैं गोश्त को भून के फिर इसमें मसाला डालूंगी। कहाँ छुट्टी करवाई रे? उम्र खाता है। सो गाइस यहाँ मेरा खिचड़ा बन रहा है, ये देखिए ये अभी पका हुआ पक रहा है, गल रहा है, पक चुका है। इसको मैं चढ़ाई हूँ और पकने के लिए, बुरी ज़्यादा गली नहीं मुझे लग रहा है, मुझे अंदाज भी नहीं है, फर्स्ट टाइम का है। और यहाँ मेरा गोश्त चढ़ा हुआ है, गोश्त पक जाए तो चढ़ाऊँ। यहाँ मसाला पूरा रेडी हो चुका है देखिए, और ये पूरा गोश्त भी गल चुका है, मसाला पूरा रेडी है। अब इसे हम इसमें मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर इसे थोड़ा पकाएंगे और फिर मेरा खिचड़ा रेडी। सो गाइस मेरा खिचड़ा रेडी हो चुका है देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से बना हुआ है। अभी खाएंगे और टेस्ट करके बताएंगे कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा। थोड़ी बहुत रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे, और क्यों वो थोड़ा गल नहीं रहा था, फिर मेरी सीटी वो हो रही थी तो इसकी वजह से, मगर माशाल्लाह बहुत अच्छे से। गाइस देखिए खिचड़ा रेडी हो चुका है और माशाल्लाह कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना। और कमेंट करना, लाइक शेयर भी करना, बोलो लाइक करना और कमेंट करना, शेयर करना। उमर कैसा बना हुआ है? लैबा कैसा बना है? हसन कैसे बना है? बहुत। सो गाइस अभी हम लोग खिचड़ा खा रहे हैं और बना है बहुत टेस्टी। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो थोड़ा सा बनाया है ना। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कैसे बना है, फिर मैं अपने